नमस्कार, मैं श्वेता सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तक्षशिला पार्ट वन की वीडियो में आपने जाना था कि तक्षशिला एक ऐसी जगह थी जहाँ पर मानव जाति को सबसे पहली पाठशाला मिली। तो वहीं आचार्य चाणक्य जैसे शिक्षक हुए, तो वहीं चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शिक्षक हुए। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो एक बार इसे ज़रूर देखें। और आज आप इस वीडियो में तक्षशिला के बारे में और भी ज़्यादा विस्तार से जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जो भी खबरें हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सबसे पहले और सीधे आप तक पहुँचे। तक्षशिला विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि यह प्राचीन भारत में गांधार जनपद की राजधानी और एशिया में शिक्षा का प्रमुख स्थान भी था। इस विश्वविद्यालय में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि सीरिया, ग्रीस और बेबीलोनिया के छात्र भी पढ़ते थे। लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि तक्षशिला में केवल ऊंची जाति के छात्र ही पढ़ाई करने के हकदार थे, यानी कि यहाँ जाति को प्रधानता दी गई थी। साथ ही आपको बता दें कि तक्षशिला का रिश्ता बौद्ध धर्म से बहुत ही खास था। बौद्ध धर्म के ग्रंथ तेलपत में तक्षशिला की अनेक बार चर्चा भी की गई है, जो कि ये दिखाता है और ये दर्शाता है कि बौद्ध धर्म के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। बौद्ध भिक्षु विश्वविद्यालय को महाविहार कहते थे। साथ ही तक्षशिला में कई बौद्ध स्तूप स्थापित थे। तक्षशिला को शिक्षा का केंद्र भी माना जाता था। जितना गौरवशाली इस विश्वविद्यालय का इतिहास है, उतना काला इसके विद्वान की कहानी भी है। आपको बता दें कि 7वीं सदी में बौद्ध धर्म गांधार के कई जगहों तक फैल चुका था, लेकिन 7वीं सदी के बाद यहाँ अरब और तुर्की के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदू और बौद्धों को जबरन पकड़कर उनका धर्म परिवर्तन कराने का, यानी कि हिंदू को बौद्ध से मुस्लिम बनाने के लिए बकायदा अभियान तक चलाया जाने लगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में ये लिखा भी है कि इस्लाम में बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। शायद ये बुत शब्द बुद्ध का ही अपभ्रंश है। माना जाता है कि 7वीं सदी में ही तक्षशिला को उजाड़ दिया गया था। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि पहले विदेशी आक्रांताओं ने बामियान, पुरुषपुर, पेशावर, कराची, चंडीगढ़, श्रीनगर, सोमनाथ, मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयाग, लुम्बिनी, दिल्ली, मेरठ, हस्तिनापुर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सांची, पाटलिपुत्र, नालंदा, पंचानेर, पावागढ़, कौशाम्बी, लखनऊ, नासिक, आगरा, राजगिरी, भोपाल, उज्जैन, रामेश्वरम, कोलकाता, ढाका, त्रिपुरा आदि महत्वपूर्ण हिंदू, जैन और बौद्ध स्थानों पर आक्रमण करके यहाँ के प्रमुख मंदिरों, मठों, महलों और शिक्षा केंद्रों को ही नष्ट किया, बल्कि धर्म ग्रंथों की पांडुलिपियों को ढूंढ ढूंढ कर जलाया गया। इन तुर्क आक्रमणकर्ताओं में गजनवी, तैमूरलंग, औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, बाबर, बख्तियार, खिलजी के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। आपको बता दें कि तक्षशिला आज पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है, लेकिन भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि किसी समय में तक्षशिला भारत में शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। आपको बता दें कि एक बात इस विश्वविद्यालय की बहुत प्रसिद्ध है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए किसी भी शिक्षक को कुछ पैसा या कोई वस्तु नहीं दी जाती थी, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तब तक अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। देखते रहें लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।